यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पावन पवित्र धरा पर सत्य और धर्म पर असुरत्व अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तब तब प्रकृति स्वरूपा माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जी की इच्छानुसार सिद्धाश्रम के संस्थापक संचालक परमहंस योगेश्वर ब्रह्मऋषि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस धरा पर जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। उसी परंपरा को एक बार पुनः आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में सिद्धाश्रम सिरमौर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ही युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित होकर समाज के बीच ऋषित्व जीवन जीते हुए जन जन को सत्य धर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही जिनके जन्म के विषय में आज से 500 वर्ष पूर्व के विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं जैसे नास्त्रेदामस, कीरो, जीन डिक्सन, मिल्टन, प्रोफेसर हरार आदि अनेकों भविष्य वक्ताओं ने वर्तमान समय में जिस युग चेतना पुरुष के जन्म लेने व उनके द्वारा सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही है, उन्हीं अवतारी पुरुष के दर्शनों व प्रवचनों का आप लाभ लें। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आकर अब तक लाखों लोग पूर्णतया नशा मुक्त जीवन अपनाकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुवर द्वारा अब तक हजारों लोगों को घातक बीमारियों व विषम परिस्थितियों में मृत्यु योग से बचाकर जीवन प्रदान किया गया है। यदि आप भी चाहते हैं सपरिवार नशा मुक्त सुख शांति समृद्ध पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर इस प्रवचन को अवश्य सुने। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके निराशापूर्ण जीवन में नई चेतना का संचार अवश्य होगा। जय गुरुवर की, जय माता की। माता स्वरूपम्, माता स्वरूपम्, देवी स्वरूपम्, देवी स्वरूपम्, प्रकृति स्वरूपम्, प्रकृति स्वरूपम्, प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। मूल माता दी सत्य योगिनी जगदम माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, उपस्थित जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज जहाँ इस कलयुगी भयावह वातावरण में पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, वहाँ यदि आप लोग अपने जीवन में धर्मवान और कर्मवान बन जाएं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती, दुनिया की कोई ताकत अवरोध नहीं खड़ा कर सकती। क्योंकि धर्मवान और कर्मवान मानो जो ठान लेता है वह कर गुजरता है। यदि आपके साथ धर्म है, यदि आपके साथ सत्य है, और यदि आप कर्मवान हैं, आलसी नहीं हैं, अकर्मण्यता नहीं है, प्रकृति ने जो विधान बनाया है मानव जीवन का, उस विधान के तहत यदि आपने अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए वह यात्रा तय कर रहे हैं कर्मवान बन करके, तो धर्मवान और कर्मवान मानो जीवन के किसी भी पहलू में कभी असफल नहीं होता। आवश्यकता होती है
उस प्रकट सत्ता पर पूर्ण विश्वास करने की, जिसे देवाधिदेव भी माँ कह करके पुकारते हैं। हर विषम परिस्थिति पर उन देवाधिदेवों को भी जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने उस प्रकट सत्ता को माँ के रूप में पुकारा, उस प्रकट सत्ता से मदद मांगी और हर बार उन्हें उस प्रकट सत्ता ने सहायता की। आज उसी प्रकार इस कलिकाल के भयावह वातावरण में हमें और आप सभी को उस प्रकट सत्ता को पुकारने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा भयावह वातावरण और क्या होगा समाज में, इससे ज्यादा समाज का पतन और क्या होगा, यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता का सहारा ना लिया, यदि इन क्षणों पर भी हमने उस प्रकट सत्ता को मां के रूप में ना पुकारा, तो भी हमें उस पतन के मार्ग से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। कोई काल था जिसमें खुलेआम राक्षस या रावण इस तरह की चीज नजर आती थी कि यह कंस है, यह रावण है, उसे लोग पहचानते थे, जानते थे। मगर आज तो जगह जगह रावण और कंस, जिन्हें आप पहचान भी नहीं सकते, और उनके कार्य रावणों और कंसों के समान वो अपना कार्य कर गुजरते हैं। युवा शक्ति एक पतन के मार्ग पर जा रही है, उस युवा शक्ति को अगर रोका ना गया, उस युवा शक्ति को पतन के मार्ग से अगर बचाया ना गया, तो पूरा हिंदुस्तान, यह देश जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, जिसमें धर्मवान पुरुष और कर्मवान पुरुष हर काल में उपस्थित रहे हैं, वह पतन के ऐसे रफातल में चला जाएगा जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। अभी वह समय है, इसे रोका जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है, क्योंकि समाज का पतन का उस बिंदु पर नहीं गया जहां रोका ना जा सके, जहां प्रकट का सहारा लेकर उसे बचाया ना जा सके। अतः सब लोग मिलकर के प्रयास करो, धर्मवान बनो, कर्मवान बनो, जीवन से आलस्य को निकाल फेंको और युवा शक्ति को बचाओ, अपने बच्चों को सतमार्ग में लगाओ। तुम्हारा धर्म है मानवता के पथ पर बढ़ना, मेरा धर्म है तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाना। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुम्हें मानवता के पथ पर बढ़ाऊं, भटकाव से तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाऊं, तुम्हें निर्भीकता का जीवन जीने की कला सिखाऊं। हम आप सभी जानते हैं, राम ने बानरों की सहायता लेकर के उस रावण का वध कर दिया था, उसकी विशाल सेना को नाश कर दिया था। अरे तुम तो मानव हो, तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ है, उसे जानो, पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और इस अनीति, अन्याय, अधर्म के साम्राज्य को का नाश कर दो। अपने बच्चों को पतन के मार्ग में जाने से बचा लो, रोक लो उस युवा शक्ति को जो विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है, नशे के रूप से अनीति, अन्याय, अधर्म के चंगुल में फंसती जा रही है। उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा, यह हमारा आप सभी का धर्म है और कर्म है, बुद्धिजीवी समाज का कर्तव्य है। तो उसे रोकना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अगर हम वास्तव में अपने देश की रक्षा चाहते हैं, अपने धर्म की रक्षा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कोई भी धर्म हो, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा, यह सभी धर्मों का कर्तव्य है कि एक बार उठ खड़े हों, एक बार जागृत हों, जिनके अंदर जरा सा विवेक है, जो जरा सा कुछ समाज के लिए कर्म करने के अंदर जरा सा जिज्ञासा है, उसे खोल करके निकाल डालो। तुम्हारे अंदर की जो सामर्थ्य अगर उसको लेकर ही चले गए, जीवन एक निर्धारित समय के लिए है, तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो तुम कर गुजर सकते हो, यदि तुमने वह नहीं किया तो तुम एक अपराध के भागीदार बनोगे। आज ज्ञान का अनादर हो रहा है, पढ़े लिखे अधिकारी, क्लास वन अधिकारी अन्यायियों, अधर्मियों, उन नेताओं के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं जो अनेकों हत्याएं कर चुके हैं, अनेकों डकैतियां डलवा चुके हैं, जिनका भ्रष्टाचार में इतना अधिक लिप्त है, जिनके सामने कोई सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान का, धिक्कार है तुम्हारे सामर्थ्य का, धिक्कार है फिर तुमने पढ़ लिख करके इस बिंदु तक जाकर के क्यों खड़े हुए। इससे अच्छा भिखारी बन जाओ, उन अनीत, अन्याय, अधर्मियों के सामने सर झुकाने की अपेक्षा समाज में भीख मांगकर जीविकोपार्जन करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा इसी प्रकार ज्ञान का अनादर होगा, अंगूठा छाप लोग नेता बनते चले जाएंगे और तुमको उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकना होगा,
और यह भ्रष्टाचार नीचे से नहीं रुकेगा। यह अमर बेल की समान है, यह उन राजनेताओं की देन है। जब तक राजनेता सुधरेंगे नहीं तब तक मजबूर हो जाता है कर्मचारी। एक छोटी छोटी चपरासी की भर्ती में उसे 1-2 लाख रुपए देना पड़ता है। हर थाने बिकते हैं, किसी को इंस्पेक्टर बनना है, एक होमगार्ड में भर्ती होना है तो 1-2 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर 1-2 लाख रुपए वो देगा तो निश्चित रूप से वह भ्रष्टाचार करेगा ही, अनित अन्याय धर्म के रास्ते में जाएगा ही। अगर इसे रोकना है तो अपने मत के अधिकार को समझो, क्योंकि ये मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। मूल जड़ जहां से छिपी हुई है, अपना मत कभी भी किसी अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी ऐसे नेता को मत दो जो मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, जो बियर बारों में अपने नाश्ते और चा पान करता है, दिन में सफेद पोश बन करके आपके बीच आते हैं, वोट मांगने के समय तो भिखारी बन करके झोली फैलाते हैं और उसके बाद 5 साल भूल जाते हैं। उन नेताओं का ही सम्मान करो जो वास्तव में जन सेवक बनकर के कार्य करना चाहते हैं। यह प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। आज यह तो अपराध तंत्र बनता चला जा रहा है, माफियाओं का राज्य होता चला जा रहा है। इसे रोकना होगा। जब तक इसे रोकेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। यदि अच्छे लोग चुन करके जाएंगे, अच्छी विचारधारा के रोज लोग राज्य सत्ता में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अंकुश लगने लगेगा। सत्य पथ पर बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख नींव वहीं से जागृत होती है। जब आप किसी राजगद्दी पर ऐसे व्यक्ति को, अनाचारी अत्याचारी को बैठा देते हैं, उन्हें रोकना होगा। आवश्यकता है, प्रयास करो, जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य उसका उपयोग करो और जो इस शरीर के अंदर सामर्थ्य उसका उपयोग है बराबर कर रहा है। आज से 4-5 वर्षों पहले मैंने कहा था कि ये राजनेता जो समाज को लड़वा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता चला जाऊंगा कि या तो ये राजनेता सुधरेंगे नहीं, आपस में ही लड़ते रहेंगे। आपस में एक दूसरा राजनेता एक दूसरे को जेल भेजने की तैयारी करता रहेगा। अपने विवेक का उपयोग करो, अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ, अनित अन्याय अधर्म के सामने झुको मत, धर्मवान और कर्मवान बनो। संगठन के बताए हुए नियमों का पालन करो, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति जागृत होगी। तुम धर्मवान और कर्मवान बनोगे, नित्य प्रातः उठो समय से। राक्षसी प्रवृत्ति का जीवन नहीं होना चाहिए कि रात को 12-1 बजे रात तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और सुबह 9-10 बजे तक पड़े सो रहे हैं। ये मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म है सूर्योदय से पहले उठ जाना। आपका गुरु तो नित्य 3 बजे रात्रि से नित्य की साधना में रत हो जाता है और रात को भी 10-11 बजे रात तक कार्य करता रहता है। समाज के हित के कल्याण के लिए यह शरीर जो आपके समक्ष बैठा है 24 घंटे में मात्र 2 या 2.5 घंटे की नींद लेता है, उसी तरह कार्य करता रहता है कि समाज में किसी तरह से परिवर्तन आए। प्रकृति तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर माध्यम तो हमें बनना पड़ेगा, माध्यम तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति सत्ता आपके शरीर से कार्य करेगी। प्रकृति कड़कड़ में मौजूद है और उसके सबसे प्रमुख सशस्त्र हथियार मानव है, जिसके अंदर वह चैतन्य आत्मा छिपी बैठी है। और अगर उस ओर आपने आंखें निगाहें उठा करके नहीं देखी, अपने आप को आपने जगाया नहीं, अपने आप को आपने सामर्थ्यवान नहीं बनाया, मानवता के पथ पर आपने चलने का प्रयास नहीं किया, तो इसी तरह अनित अन्याय अधर्म का साम्राज्य फलता फूलता चला जाएगा। मत समझौते करो अनित अन्याय अधर्म से, अधर्मियों से। मौत का भय त्याग दो। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? जो लेकर जाओगे वह होंगे तुम्हारे सत्कर्म। वह सत्कर्म करो जिससे प्रकट सत्ता प्रसन्न हो, वह सत्कर्म करो जिसे दुनिया माने न माने मगर उस प्रकट सत्ता की निगाहों में रहो, उस आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की निगाहों में रहो और फिर देखो तुम्हारा कौन बाल बांका कर सकता है। एक बार प्रण ठानो, एक बार संकल्प लो कि हम मानवता के पथ पर बढ़ेंगे। अनित अन्याय अधर्म के रास्ते को एक साथ धीरे, अगर कोई ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार मेरी मजबूरी है कि नेता आते हैं मुझको इतना उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, अगर मैं ईमानदारी में आ जाऊं, एक पुलिस अधिकारी कह दे तो मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि मैं अपना वेतन भी नहीं बचा सकता और उसमें खर्च हो जाएगा, मेरा कहना उसे धीरे धीरे रोको, प्रयास करो। गरीबों को सताना बंद कर दो, गलत कार्य करना बंद कर दो। कहते हैं दाल में नमक बराबर तो चल जाता है सब कुछ, मगर नमक में दाल पकाने लगो तो वह उचित नहीं होता।
धीरे धीरे रोकोगे, एक दिन आपके अंदर विचार शक्ति जागृत होगी और आप अनीच अन्याय धर्म के खिलाफ खुल करके खड़े हो जाओगे। मगर दो चीजों में तो ठोस संकल्प ले लो कि तुम नशा मुक्त जीवन जियोगे, किसी विभाग में हो, कोई भी कार्य हो, इसके लिए तो तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता, इसके लिए तो तुम्हें कोई प्रेरित नहीं करता, इसके लिए तुम्हारे पास तो ईमानदारी और बेईमानी दोनों प्रकार की धन संपदा भरी पड़ी है कि तुम फल फूल खा सकते हो, किस चीज के लिए किसी की हत्या करके मांस का भक्षण करते हो, पूर्व काल में जो गलतियां किसी ने किया उन्हें क्यों बढ़ावा देते हो। आज तो देवी देवताओं के नाम पर भी बलि चढ़ाई जा रही है, उन मंदिरों का पुजारी पुजारी नहीं है, वो हत्यारे हैं। जिन मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जा रही है वहां कभी देवी देवताओं की उपस्थिति नहीं रहती, वो जल्लाद हैं। पुजारी बनकर ये कहते हैं कि बलि प्रथा देने से देवी प्रसन्न होंगी, काली प्रसन्न होंगी। कभी प्रकट सत्ता कोई भी देवी देवता कभी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न हो ही नहीं सकता। जो जीवन देने वाले हैं वो कभी किसी का जीवन लेकर प्रसन्न नहीं होते। अतः बलि प्रथा से अपने आप को अलग करो, मांसाहार से अपने आप को अलग करो। भारत एक कृषि प्रधान देश, सब कुछ भरा पड़ा है, यहां अच्छे अच्छे फल फूल खा सकते हो, अच्छा भोजन कर सकते हो। जैसे भोजन करोगे वैसे ही विचार आपके अंदर जागृत होंगे। निर्भीकता का जीवन जियो, भय का त्याग कर दो। इन दो चीजों का तो संकल्प ले लो कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, और फिर देखो धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्म जागृत होता चला जाएगा। साधना के मैंने सरल से सरल क्रम मार्ग और बताए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, नियमित एक दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य कर लीजिए, क्योंकि उससे मेरी साधना के क्रम भी जुड़े हुए हैं। मैंने समाज कल्याण के लिए अपने आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 8 वर्षों से चला रखा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। वह समाज कल्याण के लिए है, उस दिशा धारा से केवल जोड़ने का कार्य कर लो। एक नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में करो, आपके दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको मिलेगा फल, और उस दुर्गा चालीसा के चल रहे पाठ का भी फल आपको मिलेगा। जो दो मंत्र मैंने दिए हैं, चेतना मंत्र ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, ओम शक्तिपुत्राय गुरुभ्यो नमः, इन दो मंत्रों को अपना माध्यम बना लो, सहारा बना लो। जब समय मिले बैठ करके इनका जाप कर लो, नहीं समय मिलता तो मानसिक जाप, चलते फिरते काम करते रात में लेटे हुए कोई भी कार्य करते हुए मन के अंदर इनका जाप करो। ये पूर्ण उत्कीर्ण मंत्र है, फल प्रदाप के लिए होंगे। अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ाने का प्रयास करो, देखो अजमा करके देखो, कुछ समय 4-6 महीने का जीवन जी करके देखो, तुम्हारे अंदर आत्म शांति पैदा होगी। एक परिवार में यदि एक शराबी व्यक्ति हो जाता है पूरा परिवार अशांत हो जाता है। घर में महिलाएं बच्चे इतने अशांत पूर्ण जीवन जीती हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। और वही एक परिवार जहां फल फूल लोग खा रहे हो, सुख शांति से रह रहे हो, नफा मुक्त जीवन जी करके अपना कार्य करके घर जा रहे हो, और उसके बाद देखे घर के लोग कितना अच्छा स्वागत करते हैं आपका। जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, ये सब अपने आप मिटने लगेंगे। विचार करो, एक पिता और माता का चेहरा उसके पुत्र पर आ जाता है, उसकी झलक कई लोगों का आप देखेंगे, पुत्रों को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे किसका लड़का होगा, अगर आप उसके पिता को पहचानते होंगे। जब शरीर का बाह्य रूप साकार नजर आने लगता है, छाया प्रकट होने लगती है कि फला के संतान है, तो आपके विचार पहले कितना अधिक कार्य करते होंगे। तो जिस तरह के आपके विचार बनेंगे, दूषित विचार यदि आपके होंगे, अनाचारी अत्याचारी विचार यदि आपके होंगे, शराबी विचार आपके होंगे, मांसाहारी विचार होंगे, तो आपके पुत्रों में भी वही संस्कार पड़ जाएंगे। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आज आप सर झुकाकर खड़े हो रहे हैं, कल आपके पुत्र भी सर झुकाकर खड़े हों? उनको चैतन्य होने दो, उनके आत्मा पर वह आवरण मत पड़ने दो। प्रयास करो, एक बार प्रण ठानो कि हम अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ एक खुला धर्म युद्ध लड़ेंगे। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, समाज के साथ है, जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ है, जो शिष्य नहीं है उनके साथ है। क्योंकि मेरे कार्य सभी क्षेत्रों में चलते रहते, एकांत की मेरी जो साधना है, यहां अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जहां मैंने जब जो कहा हुआ कर्म मैं कर गुजरा। मेरे जीवन का सबसे बड़ी शांति और संतोष यह है कि अगर मैंने किसी चीज का प्रण ठान करके मां के सामने रख करके, कोई मां की वह जो मूल अनुष्ठान मेरे जीवन का लक्ष्य है उसको लेकर के अगर मैं किसी कार्य के लिए बैठ गया हूं कि मां यह कार्य होना है, तो आज तक कभी एक भी कार्य असफल नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्य आत्मा किसी की आत्मा में प्रवेश करके कोई भी परिवर्तन डाल सकती है।
कोई भी कार्य कर सकती है। अभी कुछ समय का प्रमाण था, जब अस्थि यहां बैठे हुए होंगे, पिछले उसमें जब कांग्रेस का कुछ बहुमत उभरा, सब लोग कहने लगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। वो राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहे थे, मैंने आज अस्थि को, दिल्ली के पत्रकार हैं तो, और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके मित्रगण थे, मैंने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, यह मेरा साधनात्मक वाक्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर तुम जिसे चाहो मैं उसे प्रधानमंत्री बना सकता हूं, अगर चाहो, केवल एक बार मीडिया को एहसास हो, पूरे मीडिया के लोगों को एकत्रित करो, जिसे चाहो मैं उसे इन परिस्थितियों में भी मोड़ दूंगा, मेरे लिए कोई भी रचना, कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति मोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पीएम यहां उपस्थित थे, आप अनेकों लोग उनसे संपर्कित हुए होंगे, जानकारी ले सकते थे। व्यक्तिगत रूप से मैंने चंद्रशेखर से भी बात करके बताया था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी प्रधानमंत्री बना सकता हूं, केवल सत्य की रक्षा के लिए कि एक बार समाज एहसास करे, एक घटना तो समाज के सामने हो कि जो असंभव है वह मैं कर गुजर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर कुछ भयपूर्ण जीवन उनके जीवन में था। मैंने अजय से कहा कि फिर नहीं है तो मनमोहन प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे, तब कोई मनमोहन की चर्चा नहीं आई थी। कुछ समय बाद सोनिया गांधी राष्ट्रपति के दरवाजे पर गई बहुमत का चिट्ठा लेकर के, अजय अवस्थी का वहां फोन गया कि गुरुजी बस अब तो राष्ट्रपति कह देंगे कि आपको सरकार गठन करने की अनुमति दी जाती है, आप सरकार बनाएं। मैंने कहा वह अभी अंदर गई है ना, जब बाहर निकल के आए तब सुनना वह क्या कह रही है, वह क्या कहेंगी उसका ज्ञान मुझे है। मैंने कहा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री मनमोहन बनेंगे। यहां गिरीश गौतम जी विधायक, जहां कार्य क्षमता की बात करें, इसलिए कि आप प्रमाण चाहते हो, मध्य प्रदेश के गिरीश गौतम विधायक जी भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने श्री विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो उस समय चुनाव में पूरे देश स्तर पर एक केंद्र बिंदु बन गया था, शेर के मुंह के दांत गिनने के बराबर था उस विधानसभा में गिरीश गौतम का विजय होना। संभव ही नहीं था, कल्पना ही नहीं कोई कर सकता था कि जिस तरह से जाल बुन रखा गया था, जिस तरह से चक्रव्यूह रच रखा गया था, उसमें कोई उनको पराजित करके आगे निकल सकता है। मगर मां के आशीर्वाद का फल है, आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं कि क्या उनको मां की कृपा से विजय मिली है या नहीं मिली। कुछ लोग सही रास्ते में भी चलते हैं, आज वहां से चल करके शिविर का लाभ लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। एक चंद्रमण त्रिपाठी भी रीवा के सांसद बने थे, आश्रम में आकर गिड़गिड़ाने लगे, चार पांच बार खूब, मैंने चार बार उनको आश्रम से वापस कर दिया, मैंने कहा तुम्हारे योग ही नहीं है, तुम विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। रीवा के यहाँ दो चार 500 लोग, रीवा के सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। सबको मालूम था कि चंद्रमण त्रिपाठी किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते, वो तीसरे या चौथे नंबर में जाएंगे। चार पांच बार लौटे, पूरे शिष्यों से निवेदन करते रहे, कुछ वहां के रहने वाले जब मेरे अपने ही शिष्य किसी बात को मुझे बाध्य करने लगते हैं तो कभी कभी उनकी भी बातों को मानना पड़ता है। मैंने कहा यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे उस विश्वास की रक्षा के लिए, क्योंकि निश्चित अगर शिष्य दिन रात मेरे यहां वहां सेवा कार्य में लगे रहते हैं कि अगर उनको लैट्रिन साफ करने के लिए लगा दिया जाए तो लैट्रिन साफ करने में भी हिचक नहीं करते, अच्छे कार्य में पूजन पाठ में भी हिचक नहीं करते, दुर्गा चालीसा पाठ जहां सम्मान से करते हैं वहां वहां के लैट्रिन भी उसी भाव से सफाई करते हैं, उनके आत्मरक्षा के लिए बीच बीच में मुझे कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो जाओ इनसे कह दो जाकर ध्वज में संकल्प ले लें, मैं मां के चरणों में संकल्प लेता हूं, और आज के बाद से कहता हूं कि चैलेंज देके कहता हूं कि अगर ये जाके तान के चद्दर भी सो जाएंगे तो भी ये विजय प्राप्त कर लेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने कहा इनसे केवल इतना संकल्प करा दो कि जीतने के बाद एक महीने के बाद एक 24 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ का अनुष्ठान करा देंगे। उन्होंने जाकर संकल्प लिया, चुनाव हुआ, चुनाव में हर जितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे हर ये कह रहे थे चंद्रमण त्रिपाठी कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि सैकड़ों लोग तो शिष्य थे उस क्षेत्र के जो सब जगह जुड़े थे। बोले गुरुजी वोट डालने की दिशा धारा बस दूसरी पार्टी को थी, कैसे होगा ये, कहीं ऐसी बात तो न हो कि बात गलत साबित हो जाए। चंद्रमण त्रिपाठी की तबीयत खराब हो गई, वहां पे फोन आया कि गुरुजी हमारे बस हार्ट अटैक होने वाला है, बस बीमार पड़े हैं हम, चल फिर नहीं पाने की स्थिति में है। मैंने शिष्यों से कहा उनसे कह दो आश्रम आ जाएं। आश्रम आए, मैंने कहा व्याकुलता छोड़ दो, एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर कह दिया तुम विजयी हो गए तो विजयी अवश्य हो गए। उन्हें सफलता मिली, विजयी हुए, मगर चालीसा पाठ नहीं करा सके।
एक 24 घंटे का चालीसा पाठ नहीं करा सके, इसलिए मैं कह रहा हूं सचेत रहो। क्योंकि आगे के लिए मैंने तो संकल्प ले लिया है कि अब कम से कम अनुभव कराने के लिए भी गलत विचारधारा के लोगों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि सत्ता स्थिर रहना चाहिए, या तो अधर्मी अन्यायी नेता अपने आप को सुधार लें, या तो मैं उन्हें सुधार दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और अगर वह सत्ता चाहते हैं तो वह संकल्प लें, या तो समाज सुधारने का संकल्प लें। आज प्रदेश उत्तर प्रदेश की सत्ता को आप देख रहे हैं, स्थिर है, मगर मैं किसी पार्टी के लिए चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनका प्रमुख व्यक्ति आश्रम आए और संकल्प ले कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर दूंगा विजय होने के दूसरे ही दिन, प्रदेश को मांसाहार मुक्त घोषित कर दूंगा। क्योंकि राजा चाहे क्या नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के लिए खुद संकल्पबद्ध हो जाऊंगा। अपराध रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा, उस प्रकार सत्ता के सामने संकल्प लेने आकर के। मैं कहता हूं उनकी 10 साल के लिए सत्ता स्थिर कर दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्ता से मुझे मोह नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य ही जाकर सत्ता में बैठे, क्योंकि मैंने स्वतः कहा है कि कभी कोई शिष्य कल्पना ना करे कि कभी गुरुजी को चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि अगर कोई धर्माचार्य चुनाव लड़ता है तो धर्माचार है ही नहीं, उसके पास धर्म की सामर्थ्य ही नहीं, अगर उसे राज सत्ता का सुख भोगने की जरा सा लिप्सा भी जागृत हो जाती है। सत्ता का सुख तुम उपभोग करो, मगर समाज के अधिकार करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार बैठी है। मगर जातिता का जहर बोना बंद कर दो। रीवा के यज्ञ की कैफिट मौजूद होगी, जब काशीराम ने नारा लगाया था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यह वह जहर था। मैंने बार बार कहा मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, मगर बचपन से आज तक कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी जात भेद को माना है, किसी साथ मैंने छुआछूत का भेद किया है। मेरे लिए सभी लोग एक समान रहते हैं। मेरी निगाहें उन वर्गों में ज्यादा रहती हैं जिनको वास्तविकता में सत्य की जरूरत है। समाज के अंदर जहर बोने से समाज का कल्याण नहीं होगा, समाज के अंदर एकता का बीज बोने से समाज का कल्याण होगा। अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज में बैर पैदा कर देना यह एक अनाचार है, अत्याचार है, पाप है। उस समय मैंने कहा था काशीराम सर पटक देंगे तो कभी प्रधानमंत्री की गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो उनकी कामना है, और आज वो एक कष्ट भोग रहे हैं। मुझे तकलीफ है इस बात की नहीं, को कष्ट भोग रहे हैं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ये आप खुली निगाहों से देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो चाहे जिस जातिता का हो, मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए वह समाज सबसे ज्यादा प्रिय होता है जिसका शोषण किया गया है। मैं स्वतः कहता हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय समाज ने उन समाज का बहुत अधिक शोषण किया जो नहीं किया जाना चाहिए। मगर इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि प्रकृति आपका सहारा दे रही है, आपके साथ तो धर्म रहा है। वह ब्राह्मण पुजारी मंदिरों में पूजा करके भले ही धर्म की कामना करते रहे हों, आपको मंदिरों में चढ़ने का नहीं मिला, मगर मंदिरों के सीढ़ियों से आपने सर पटका है, दूर रह करके भगवान को आपने श्रद्धा के साथ नमन किया है, और उसका प्रभाव है कि धीरे धीरे वह समाज जागृत हो रहा है। मगर यदि सामर्थ्य हमारे पास आए, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम भी वही कार्य करने लगे जो पूर्व के समाज ने हमारे साथ किया है। एक अपराधी था तो हम भी अपराधी बन जाए, तो हम में और उनमें फर्क क्या रहा? अतः यदि कल को कोई कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने का कार्य होना चाहिए, दोनों पक्षों को सुधारना चाहिए। आज पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, ज्ञानवान समाज है, इस तरह जहर का बीज बोने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। वो किसी जात को बढ़ावा देने वाले हों, किसी संप्रदाय को हों, चुनाव के समय आप देखें अधिकांश नेता टोपी पहन लेते हैं। टोपी पहन लेने से तुम इस्लाम धर्म के रक्षक नहीं बन जाओगे। सत्य तो है कि टोपी पहन करके तुम हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच एक जहर बोते हो। कभी इस्लाम धर्म को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, कभी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, और जब सत्ता तुम्हारे बहुमत में आ जाती है तो कभी तुम उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। न हिंदुओं को इस्लाम धर्म से डरने की जरूरत है, न इस्लाम धर्म के लोगों को हिंदुओं से डरने की जरूरत है। अरे अपने आप को चैतन्य बनाओ। वह नपुंसक होते हैं, नामर्द होते हैं जो दूसरों से डरते हैं, भय खाते हैं। हर धर्म में अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। हर धर्म यदि अपने धर्म की वास्तविकता पे आ जाए तो किसी समाज से कोई बैर रह ही नहीं जाएगा। अरे वे पाकिस्तानी टीम हमारे देश खेलने आए, हमारी टीम उनके देश खेलने जाए, किस बात का भय? अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो सामर्थ्य को कोई पराजित नहीं कर सकता।
जागृत करो अपने हिंदू समाज को, जागृत करो अपने देश के समाज को, जागृत करो सभी धर्म के धर्माचार्यों को, सभी धर्म से जुड़ी हुई समाज की जनता को। किससे भय खाते हो? पांच पांडवों ने कौरवों को समाप्त कर दिया था। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर तुम इसी के इंतजार में रह आए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो कभी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। प्रयास करो अपने आप को, जहां जितनी सामर्थ्य उस सामर्थ्य का उपयोग करने का प्रयास करो। मैंने सरलतम मार्ग समाज को बताए हैं। मेरे पास भी अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मेरे दीक्षित शिष्य हैं। मैं कभी मैं उनसे नहीं कहता कि इस्लाम धर्म छोड़ दो। मैं कहता हूं इस्लाम धर्म की सत्यता को गहराई से पकड़ कर चलो। मगर तुम्हें हिंदू धर्म में अगर सत्यता लग रही है तो श्रद्धा के साथ आओ, मेरे शिष्य बनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज भी यहां एक दो ऐसे इस्लाम धर्म के लोग बैठे हैं जो मेरे शिष्य हैं, दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इन क्रमों को भी पालन कर रहे हैं और अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं। अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो अपनी सामर्थ्य को उस दिशा में लगाओ। कुछ लोगों ने मेरे पास सूचना भेजी थी, क्या राम मंदिर बनाना उचित नहीं है? कल चूंकि मैंने कहा था कि राम मंदिर बनाने से ज्यादा आवश्यक समाज में वह गरीब जनता है जो भूखमरी का शिकार है। अनेकों प्रदेशों की ऐसी जनता सब पड़ी हुई है आज भी, जो तन पर कपड़े नहीं पहन पाती। मेरा मतलब यही था, राम मंदिर हिंदू समाज के धर्म का आस्था का केंद्र है, आसानी से बन सकता है, मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा था, यदि किसी को मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर राजनेता उससे हट जाएं, धर्म क्षेत्र के लोगों को ही अगर केवल हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोग, चाहे वो 25 लोगों 50 लोगों कमेटी बना दें कि यह जो निर्णय कर लेंगे हमें मान्य होगा, मैं कहता हूं समस्या को 6 माह के अंदर सुलझा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर राजनीति करके किसी समस्या का, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्थान का निर्माण अनित अन्याय अधर्म, राजनीति की रोटियां सेकने से कभी स्थान का निर्माण नहीं। मानवता की रक्षा के लिए अगर सत्य की आवाज सत्य तक पहुंचेगी, अगर कोई समाज भटका हुआ है, अगर कोई समाज गलतफहमी का शिकार है, तुझे सत्य के रास्ते पर लाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मगर यदि राजनीतिक रोटियां फेंकी जाएंगी, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी भी राम मंदिर का निर्माण होना असंभव हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। या तो न्यायपालिका में छोड़ देना चाहिए, या तो कुछ चंद लोगों में उस विचारधारा का निर्णय लेकर छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कम से कम समय में समस्या साल हो जाएगी। मैंने कहा था, जब लोग कहते हैं इस्लाम धर्म, मैंने कहा था जब राष्ट्रपति देश के बने थे कलाम, जब मैंने कहा था कि आजादी के बाद पहली बार एक योग्य राष्ट्रपति सत्ता में पहुंचा है, क्योंकि मैंने बार कहा मेरे विचार उन सभी बिंदुओं में होते हैं जिनसे निकल करके आप सतमार्ग में जा सकते हैं। अनित अन्याय धर्म के सामने घुटने मट्टे को, बहुत से साधु संत सन्यासी आप लोगों के बीच आते हैं, बड़ी बड़ी आंखें काढ़ेंगे, बड़ा कहीं मुंड माला पहने होंगे, कोई किसी चीज की हड्डियों की माला पहने होगा, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, त्रिशूल रखे रहेंगे, आपके घर में गाड़े बफा कर रही है, तो मुझे इतना दान दे दो, अंत में तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दूंगा। एकांत घर में कभी आएंगे कि आपकी पति की हत्या होने वाली है, आप ऐसा धन दे दो, अगर पति से बता भी दोगी तो पति की हत्या निश्चित हो जाएगी या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, उनसे भयभीत मत हो। वे जो दरवाजे तक नंग धड़ंग और भेष बनाकर टहलने वाले अत्याचारी अनाचारी हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। आपका गुरु कहता है अपने घर पे क्यों रक्षा कवच, अब एक माँ का ध्वज टांग लो और देखो कोई बड़ा बड़ा तांत्रिक अगर आपके घर का अहित कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नित्य शक्ति जल का पान करो, क्योंकि मैं समाज में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं समाज में तुम्हारी पहचान हो। मैं समाज में अपना स्वागत नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन के समाज का स्वागत हो। किसी से भयभीत मत हो। बड़े बड़े गैंग कार्य कर रहे हैं, आपके धन दुगना करने का कोई लालच देगा, कोई कहेगा आपके घर में खजाना गड़ा हुआ हम गाड़ दें, उखाड़ देंगे, और आपके जो बाहर धन रहता है उसको भी लूट ले जाते हैं। उनसे सावधान रहो, कभी मत भ्रमित हो। उस धन के जमीन के घरे हुए धन को उखाड़ने के लिए प्रयास मत हो। अलौकिक धन जो आपकी चेतना आपके शरीर पर छिपा है, उसे जागृत करो। आपका गुरु उसे निकालने का मार्ग बताता है, उससे आपका कल्याण होगा। वह अनाचारी अत्याचारी जो कहते हैं धन गड़ा हुआ है, उनसे कह दो पूरा धन तुम ले जाओ, हमें एक रुपए की जरूरत नहीं है। धन दुगना तुम करना जानते हो, अपना ही धन दुगना कर लो। समाज के बीच एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो आपके धन को दुगना कर सके,
जो आपके गड़े हुए धन को निकाल सके उनसे भ्रमित मत हो। अनेकों साधु संत सन्यासियों की टोलियों की टोलियां होती हैं, जब आपका घर बन रहा होता है तो आपके, जब आपकी नींव पड़ चुकी होगी तो नींव पड़ने में सब पता चल जाता है कितने कमरे बन रहे हैं, कहां से द्वार बन रहा है। वो कोई हड्डियां कभी दो चार सिक्के आकर वहां गाड़ जाएंगे। अब 10-5 साल बाद आएंगे, अब आपको बताएंगे आपके फला कमरे के फला दीवार के पास ऐसा धन गड़ा हुआ है, एक आध सिक्के उखाड़ कर भी दिखा देंगे। वो तो आपने शमशान में मकान बना लिया, उसके घर के अंदर आपके हड्डी छिपी हुई है। अरे कलिकाल है, संघर्ष तो सभी के जीवन में है। ये गैंग के गैंग कार्य करते हैं, उनकी डायरिया मेंटेन होती है, खुद आज कार्य कर रहे हैं, 10 साल 20 साल आगे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनसे सतर्क रहो, सावधान रहो। वे अनाचारी अध्याचारी जो गांजा चिलम शराब चढ़ाते हैं, उनके पास कोई साधनात्मक शक्ति नहीं होती। कुंभ और प्रयाग के मेलों में जाकर देखो, पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लग जाता है। अरे जिन अधर्मियों अन्यायों को वहां से खेत कर खदेड़ करके भगा देना चाहिए, उनकी कह रहे हैं शाही सवारी जा रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लगा रहता है। अरे जो गांजा चढ़ाते हैं चिलम चढ़ाते हैं, वो समाज को क्या सतमार्ग देंगे? अरे वह तो उन पवित्र स्थानों को भी अपवित्र कर देते हैं। मैंने कहा है अगर उनके अंदर सामर्थ्य है तो मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज और चुनौती दी है कि आए मेरे सत्य का सामना करें, मेरा सामना करें और पराजित करके दिखाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की। अन्यथा या तो वह समाज का त्याग कर दे, अगर अपने लिए साधना कर रहे हैं तो हिमालय की गुफाओं में जंगलों पहाड़ों में चले जाएं, और अगर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो समाज की मर्यादाओं में रह करके समाज का सहयोग करें। जो शराबी होगा, जो नशेड़ी होगा, जो गांजा और चिलम चढ़ा रहा होगा, वो समाज का क्या कल्याण करेगा? समाज के बच्चे भगकर जाते हैं उन आश्रमों में, और उन आश्रमों में जाकर वो भी गांजा चिलम चढ़ाने लगते हैं। मेरे भी आश्रम में अनेकों लोग जाते हैं, कोई 4 दिन में दाढ़ी रखाने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। मैंने सैकड़ों लोगों की दाढ़ियां बनवा दी हैं। मैंने कहा मैं साधु संत सन्यासी बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें पहले मानव बनाने आया हूं। मानव बनो, साधक बनो और सामर्थ्यवान बन जाओ तो मैं तुम्हें अपना भी पद दे दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा जीवन तो एकांत साधना से जुड़ा हुआ है। यहां हरियाणा के बैठे हुए होंगे रेंजर रणधीर सिंह जी चौधरी, उन जैसे कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को उस क्षेत्र में मैंने इकट्ठा किया था। उस समय जब मैं धोती कुर्ता सामान पर पहनता था, मैंने कई लोगों को बताया कि मेरे पास यह सामर्थ्य, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं समाज में अपनी पहचान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एकांत किसी झोपड़ी में बैठकर केवल माँ की आराधना करता रहूं, और जो मैं कहूं उस तरह के समाज में आप कमेटी बनाकर घोषणाएं करते रहें, कार्य करते रहें, वह कार्य मैं करता रहूंगा जो आप लोग समाज के बीच कह देंगे, और एक ऐसा जो रास्ता निकालें कि आप लोग समझ चुके मेरे लिए तकलीफ होती है। एक साधक को आप लोगों के सामने जिस तरह बैठना है मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं आता, इस तरह चीखना चिल्लाना बोलना मेरे धर्म के अंतर्गत नहीं आता। कुंडलनी चेतना तो पूरी शांति चाहती है, केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करना चाहती है, मगर चूंकि जड़ समाज जब तक बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक समझ नहीं सकेगा। मैंने कहा था कुछ लोगों को तैयार करो और वह मेरे विचार समाज जन जन तक पहुंचाएं, मगर 2-4 साल निकल गए। कई लोग आए, गुरु जी ऐसा कार्य कर दो। रणधीर सिंह से पूछिए, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के 2-4 कार्य कहे, गुरु जी अपाहिज पड़ा है, ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे। नहीं कर सके। अनेकों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरा 4-5 साल शोषण किया गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। किसी ने किसी लाभ की कामना की, गुरु जी बस ऐसा कार्य करा दो, हम ऐसा कार्य समाज सेवा में लग जाएंगे, मगर कर नहीं सके। बाध्य होकर, मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में, चूंकि मैंने 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प समाज के लिए लिया था, 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, चूंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं, वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी। नास्त्रेतनो दमस्कीरो इनकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने 6वें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मेरा कार्य है मानवता की रक्षा, समाज को एक सही दिशा धारा देना, युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना, और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो। इससे मेरी चेतना जुड़ी हुई है। आपको पूरे भगवे वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे, उन्हें भी पहन सकते हो, मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर
आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके। टीवी विज्ञापनों में आप लोग देखते हो कि कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या हैं। जितना अधिक उतर सके, उन्हें काट सके, जितना सत्यानाश कपड़े का कर सके, वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है। आप लोग भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े मगर भारतीय मर्यादाओं में हो, पहने में मुझे कोई फर्क नहीं रखना, समय के साथ चलना चाहिए आगे। मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, उपयोगवादी जीवन जियो। उस पतन के मार्ग में मत जाओ। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, उनसे अपने बच्चों को सचेत करो। टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे, बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रसन्नचित आनंद उठा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वह तो वेश्याओं से भी बदतर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में। उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो, वो तृप्त नहीं है, वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं, अन्यथा उनका जीवन ज्यादा अशांत है, ज्यादा तनावग्रस्त है, वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे। युवा वर्ग भटक जाता है कि शायद उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारे माँ बाप हमको रोक लगा रहे हैं। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है, वो पतन के मार्ग पे समाज जा रहा है, तुम्हें पतन के मार्ग पे नहीं जाना, अपने आप को रोकना है। वह तृप्ति का जीवन नहीं है, तृप्ति का जीवन है सादगी से रहो, सदाचारपूर्ण जीवन जियो, नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठो। मैंने कहा था कि अगर मैं समाज के लिए कहता हूं तो यदि मैं जीवन में अमल में रहता है, समाज को कह रहा हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, मेरे आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, तो मैं सूर्योदय से पहले उठने की बात कह रहा हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर आप लोगों के लिए साधना करता हूं। पहले शिष्य पहले उठते थे, गुरुओं को बाद में जगाते थे, उनकी सेवा में लगते थे। आज गुरु को पहले उठना पड़ता है, कलिकाल है, शिष्यों को जगाना पड़ता है। मुझे भी कई बार को मेरे शिष्य आश्रम में कहते हैं कि गुरु जी क्या आप 2 घंटे लेट नहीं किया जा सकता, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद का क्रम अपना लें, आप सुबह उठ जाते हैं तो हमको मजबूरी में उठना पड़ता है। तो आलस से सबको प्यारा होता है, मगर मैंने बार बार कहा उससे सजग रहो, यही तो कलिकाल है। आप 1 घंटे लेट रहने लगता है हमको ज्यादा तृप्ति मिल रही है, 1 घंटे और लेट लें, आदत डालो, सूर्योदय पहले उठने लगोगे उतने ही तकलीफ आपको होगी, 8 बजे उठने में उतनी ही तकलीफ आपको होगी सूर्योदय पहले उठने में। आपका स्वस्थ जीवन रहेगा, चैतन्य जीवन रहेगा, आदत तो डालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र जो मैंने दिया उन मंत्रों का कुछ ना कुछ जाप करो। जगह जगह पर आरतियों के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जहां जहां संगठन का गठन हो गया वहां महाआरती कराई जाती है। मैंने कहा जो दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, समाज में भी 24-24 घंटे के अब तक 4-5 हजार स्थानों में दुर्गा चालीसा के पाठ कराए जा चुके हैं, उसके लिए शिष्य मेरे कार्यकर्ता संगठन के सदस्य घर घर जाकर जो चाहते हैं कि हमारे घर में चालीसा पाठ हो जाए, वहां जाकर निःशुल्क रूप से जाकर चालीसा पाठ संपन्न करते हैं। मगर चाहिए कि यदि आप चालीसा पाठ कराएं अपने घर में तो चैतन्यता का हो, माँ का स्वागत, माँ का कार्यक्रम चैतन्यता। आप छोटी सी पार्टी देते हैं तो बड़ी चैतन्यता से करते हैं, मगर जब दुर्गा चालीसा पाठ आती है तो ठीक है एक छोटी सी तस्वीर रख लीजिए, वह पूजा वाली सुपारी का भाव कि पूजा वाली सुपारी ले आना, खाने के लिए तो अच्छी बड़ी सुपारी लाना, अच्छी देख कर लाना, मगर जब पूजा की बात आती है तो पूजा वाली सुपारी ले आना। वैसे तो मैं मना करता हूँ, कभी पूजा में कभी सुपारी वगैरह का उपयोग होता ही नहीं है, यह भ्रांति है उन पंडितों की जो पान खाते थे सुपारी खाते थे। भगवान के चरणों में इसी नाम से पान सुपारी चढ़ा दोगे तो पान सुपारी भगवान तो खाएंगे नहीं, बाद में हमको ले जाएंगे और हम खाएंगे। अच्छा भोग लगाओ, अच्छा प्रसाद लगाओ, गुरुवार का व्रत रहो। आपको किसी व्रतों को रहने की जरूरत नहीं, यदि आप गुरुवार के व्रत को रहते हैं सुबह से शाम तक व्रत रहो, उसमें भी आडंबरों में मत पड़ो। दिन में थोड़ा बहुत अगर फलाहार आप चाहें कर सकते हैं, शाम को सात्विक भोजन दाल चावल नमक रोटी जो भी हो शुद्ध और सात्विक हो घर में भोजन कर लीजिए। सफर में पड़ जाते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद जो भी शुद्ध भोजन मिले आपको शुद्ध भोजन कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने घर में अनुष्ठान के रूप में कराएं, जाति भेद को मिटा दें, आपका विवेक जागृत होगा, आप कर्मवान और धर्मवान बनेंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी। यह भी शरीर आपसे दुर्बल है, मैंने कहा है कि मेरे शिष्य धन से गरीब और तन से निर्मल हो सकते हैं मगर मन से चेतनावान होंगे, आत्मा से चेतनावान होंगे। अतः अन्य समाज के लिए भी मेरा चिंतन है कि नित्य शक्ति जल का पान करो। यह शरीर भी एक किसान परिवार में जन्म लिया है, ग्रामीण जीवन में जन्म लिया है, क्या मैंने अनित अन्याय अधर्म में कभी समझौता नहीं किया, मेरा प्रण रहा है
कि मौत को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ होगा, मगर अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकना उचित नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धर्म का लुटेरा बनकर जीवन नहीं जीऊंगा, एक भिखारी का जीवन जीना मैं श्रेष्ठ समझूंगा। क्योंकि आज के जितने धर्माचार हैं उन्हें तो मैं कहूंगा कि उनसे डकैत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कम से कम खुली राइफल लेकर टहलते कहते तो हैं कि हम डकैत हैं। जिस तरह आज अगर चूंकि दो क्षेत्र अगर चाह लें, धर्म क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर इनसे ज्यादा कल्पना सहयोग की अपेक्षा केवल दो प्रमुख क्षेत्रों से की जा सकती है। यदि न्यायपालिका और प्रचार मीडिया वर्ग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यह चाह ले तो समाज में परिवर्तन करना बहुत कठिन बात नहीं है। अगर यह गुलामी का जीवन जीना बंद कर दे, समाज की मानवता की ओर आंख उठा करके देखे, अरे तुम्हें मान मिला है, सम्मान मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, क्यों बेचते हो अपना ईमान? सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है, न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में ले चुके हैं, अपने आप को कम से कम 90% तो सत्यता पर ले आओ। मैं नहीं कहता 101% तुम सत्यता पर लाकर खड़े हो, नहीं हो सकता, नहीं हो पाओगे, समाज के साथ तुमको एडजस्ट करना कठिन हो जाएगा, मगर 90% तो सत्यता की आवाज को उभारो, समाज की आवाज को उभारो, गरीबों के दुख दर्द को उभारो, वो राजनेता जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको उभारो, उनके रहस्यों को खोल करके समाज के सामने रखो, उनको कानून के दायरे में लाओ। इसके लिए प्रचार मीडिया और न्यायपालिका बहुत कुछ कर सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? धर्म क्षेत्र के बाद अगर दूसरा क्षेत्र महत्वपूर्ण आता है तो न्यायपालिका का है। उस पद में बैठ करके कम से कम अपने आप को 90% सही कर लो। मैं 101% की या 100% की बात नहीं कह रहा, समाज का कल्याण हो जाएगा, समाज में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। आज न्याय बिक रहा है, गरीबों के लिए अलग न्याय है, अमीरों के लिए अलग न्याय है। कोई भी अधर्मी अत्याचारी नेता कभी सजा नहीं पाता। आज राजनीति में जो ही सत्ता आई नहीं, वो चाहे करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हो, वो CBI सब बरी, गवाह पलट गए, जज का निर्णय पलट गया, बेचारे दुख दर्द के मारे हुए भिखारियों के साथ जीवन जीने वाले लोग जो न्यायपालिका को अपने धल बल से प्रभावित नहीं कर सकते, कोई बड़ा वकील नहीं लगा सकते, वो दिल महसूस कर रह जाते हैं। अतः आवश्यकता है अगर न्यायपालिका और मीडिया वर्ग अगर वास्तव में चाहता कि हमारा कर्तव्य समाज के प्रति है, कुछ हमारा दायित्व तो है, तो अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खुली जंग छेड़े, भय का त्याग कर दें। देखें मैं कह रहा हूं, उनको सफलताएं 4 गुना ज्यादा मिलेंगी, उनके समाचार पत्रों का ज्यादा विस्तार होगा। उभारो तो अपने आप को, जागृत तो करो अपने आप को। मैं नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं नहीं कहता तुम मेरा मान सम्मान करो, तुम किसी के भी शिष्य बने रहो, मगर कार्य तो धर्म का करो, कार्य तो मानवता का करो। अगर नहीं करोगे तो इस समाज में कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म मिलता है। कहीं बाहर से किसी को कुछ भोग करके नहीं आना। एक भिखारी के यहां जन्म लेने वाला बच्चा लेते ही भिखारी बन जाता है, एक राजघराने में जन्म लेते ही राजकुमार कहला जाता है। कहीं नहीं कहीं यदि यह शरीर या आप अगर गलत कार्य करेंगे तो उनके फल को भोगना अवश्य पड़ेगा, उसे कोई बच नहीं सकता। प्रकृति के विधान में रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। आप अपने कर्म को कर्म करते हुए रिस तुल्य बना सकते हैं और कर्म के पतन के मार्ग में जाकर के रावण के समान राक्षस प्रवृत्ति के भी बना सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आप धर्म का साथ देना चाहते हैं कलिकाल में या अधर्म का साथ देना चाहते हैं, आप सत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं या असत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं, निर्णय आपको लेना है। सामर्थ्य देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। कोई समाचार आगे आए उभर करके, आज जो उसकी सामर्थ्य हो, आज उसके पास जो धन बल हो, मैं उसका 4 गुना उसकी धर्म सामर्थ्य को, उसकी जन बल को बढ़ा दूंगा, उसके धन बल को बढ़ा दूंगा। उसके बाद तो समाज के लिए कुछ करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे धन उतना बटोरो जिससे तुम्हारा जीविकोपार्जन हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको, अगर और जरूरत है तो कम कम एक पीढ़ी के लिए तिजोरियां भर लो, उससे ज्यादा तो रोक दो, उससे ज्यादा तो समाज की ओर आंखें उठा लो। जिस समाज को आवश्यकता है, जिस समाज को जरूरत है, उस मानवता की रक्षा के लिए उभरो, खड़े हो।
तुम गरीब हो, अमीर हो, जो हो, जहां हो, चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जाति पिता के भेद को मिटा डालो, छुआछूत के भेद को मिटा डालो, जात के नाम पर राजनीति करने वालों को या तो सुधार दो या तो उन्हें काल कोठरियों पर भेजने के रास्ते तैयार कर दो। तभी तो होगा तुम्हारा कल्याण, तभी होगी धर्म की रक्षा, तभी होगी हिंदू धर्म समाज की रक्षा, तभी होगी इस्लाम समाज की रक्षा, तभी होगी सिख समाज की रक्षा, तभी होगी ईसाई समाज की रक्षा। कोई भी धर्म आडंबर पर जाकर अपने धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। अनेकों धर्म है जहां आडंबर रच रच करके समाज के विस्तार करने की बात कही जा रही है, धन के लोलुपता से समाज के लोगों को खरीदा जा रहा है। मैं किसी समाज को कभी भी बाध्य नहीं करता कि तुम मेरे विचार को मानो। धर्म स्वतंत्र स्वतंत्रता से धारण करने की चीज है। अगर धर्म को भी धन बल के माध्यम से धारण कराया गया, दबाव के माध्यम से धारण कराया गया, तो धर्म कभी नहीं होता। धारण करने वाला भी अपराधी है और धारण कराने वाला भी अपराधी है। अगर अपने अपने समाज की रक्षा करना है, सामर्थ्यवान बनो, आत्मावान बनो। जनसंख्या बढ़ाने से समाज की रक्षा नहीं होगी। जनसंख्या को सीमित करो, सीमित परिवार सुखी परिवार होगा, सामर्थ्यवान परिवार होगा। 100 से 1 भले, अगर एक सामर्थ्यवान है तो 100 के ऊपर भारी पड़ेगा। चेतनावान है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। कभी जाति दंगों में मत पड़ो। अगर कोई गलत करता है तो उस गलत को दंड दो। मैं नहीं कहता गलत करने वाले को माफ कर दो। मैं उस विचारधारा का, इस काल में कोई विचारधारा थी, क्योंकि हर काल में हर विचारधारा की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने किसी समय विचारधारा दी कि अगर कोई एक गाल में तमाचा मारे, दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। इस कलिकाल में नहीं चल सकता। अगर तुम्हारे गाल में कोई एक तमाचा मारता है तो उसे चेतावनी दे दो, दूसरा मारता है तो उसका हाथ तोड़ दो। मैं उन गुरुओं में हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से एक भी व्यक्ति ऐसा जो निरपराध हो, वह प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे दंगे भड़कते हैं, लोगों को आग में भून दिया जाता है, किसी को कहीं जला दिया जाता है। इससे बचो। छोटे छोटे बच्चे किस तरह तड़पते होंगे, किस तरह जलते होंगे। यदि वे हमारे बच्चे हों, हमारा अपना भाई हो, हमारी अपनी पत्नी हो, तो हमें कैसा दर्द होगा। उन तरह के अपराधों से बचो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, सत्ता है, शक्ति है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे ढूंढो, तलाशो और उसे अपराध का दंड दो। तुम दिला सकते हो, सत्ता है, विधान है, उन विधानों का उपयोग करो। सब कुछ संभव है। तत्काल जल्दबाजी में अपने आप को उग्रवाद में मत ले जाओ। यदि कोई भी समाज उग्रवाद की ओर बढ़ गया तो समाज पतन की ओर निश्चित रूप से चला जाएगा। कम से कम दूसरे समाज को नहीं कह सकता तो हिंदू समाज को जरूर चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर तुम हिंदू समाज के रक्षक बनना चाहते हो, हिंदू समाज को बचाना चाहते हो, तो उसमें कभी उग्रवाद को पनपने मत दो। उग्रवाद यदि पनप गया तो उसका पतन निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकेगा। क्योंकि अगर हमारा अंतर्मन ही अशांत हो गया, अगर हम तमोगुणी हो गए, तो हमारा रजोगुण और सतोगुण तो दब करके रह जाएगा, हम कभी उभर नहीं पाएंगे। सत्य के बल पर भी असत्य को पराजित किया जा सकता है। उठो तो, जागृत तो हो, मौत का भय त्याग दो, बढ़ पड़ो उस तरफ की ओर, उस प्रकट सत्ता का चिंतन लेकर, उस प्रकट सत्ता का की आराधना करके। मैंने सरलतम मार्ग बताए हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ, चेतना मंत्र का जाप, सूर्योदय से पहले उठने का कार्य, अपने घर में माँ का ध्वज टांग दो, देखो कौन तुम्हारा हित कर सकता है, गले में रक्षा कवच डालो। अगर कोई ऐसे विभाग है, परिस्थिति है कि आप खुले रक्षा कवच नहीं डाल सकते तो गले के अंदर डाल लो, जेब में रख लो। एक न एक दिन तुम्हारे अंदर आत्मबल जागृत होगा, तुम खुला तिलक लगाने लगोगे, रक्षा कवच डालने लगोगे। आज नहीं तो कल वह दिन आएगा कि जहां कहीं तुम्हें जाएगा कि तुम यहां रक्षा कवच डाल के नहीं आ सकते। किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, आज्ञा चक्र कभी खुला नहीं होना चाहिए। इस कलिकाल में सबसे प्रमुख, अगर लाल रंग का तिलक लगा हुआ हो या लाल किसी रंग का तिलक लगा हुआ हो, तो आज्ञा चक्र पर कभी दूषित प्रोत की शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाती। क्योंकि किसी की नजर लगना, हमारे ऊपर किसी के सत्वगुण की तरंगे जो आती हमारे शरीर में, वो भी आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रवेश होती। मैंने भी आज दीक्षा दिया है तो आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श किया है। उस आज्ञा चक्र को सदैव ढक करके रखना चाहिए। आपको तिलक लगाने में भी अगर परहेज हो, लाल चंदन लगाने में, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, फूट नहीं करता, तो चंदन लगा सकता है।
मगर कम से कम अज्ञात चक्र को खुला न रखो, हो सके तो उसे ढक कर रखो। कोई ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसे जाब हैं, कोई ऐसे कार्य हैं तो उन कार्यों से हट करके बाकी समय पर प्रयास करो, धीरे धीरे आदत डालो, आदत पड़ जाएगी और कुमकुम का तिलक या चंदन का तिलक लगाने या और कोई तिलक लगाने से आपको परहेज नहीं होगा। और उन तांत्रिकों मान त्याग दो, एक बार शक्ति जल का पान करो और चैलेंज देके किसी तांत्रिक के सामने खड़े हो जाओ अगर तुम्हारा कोई बाल बांका कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने सरलतम मार्ग बताए हैं, शक्ति जल निःशुल्क समाज को देता हूँ, घट जाए तो यह कहता हूँ बार बार मेरे दर पे भी आने की जरूरत नहीं है, घटने के पहले उसमें गंगा जल या नर्मदा जल मिला लो, वह उसी तरह चैतन्य हो जाएगा। श्रद्धा के साथ रखो और श्रद्धा के साथ उसका उपयोग करो। अचानक कोई ऐसी समस्या पड़ जाए जहां तत्काल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध न हो, आप माँ का ध्यान करके शक्ति जल एक दो बार पिला करके तो देखो, बेहोश व्यक्ति को भी एक बार होश आएगा जरूर, उसे इतना समय मिलेगा जरूर कि वह मेडिकल सुविधाओं तक जा सके और नाना प्रकार की बीमारियां आपकी उस शक्ति जल के माध्यम से ही ठीक हो सकती हैं। मगर ऐसा नहीं कि आप शक्ति जल में कहते फिर हमको इलाज कराने हम जाए ही ना, प्रकृति की यह भी विधान है, आजकल मेडिकल सुविधाओं में सब सुविधाएं दी गई हैं, जो संसाधन है उनका भी उपयोग करें, माँ के आशीर्वाद का सहारा लेकर जो दवाइयां आपको फायदा न कर रही होंगी शक्ति जल का उपयोग करने लगेंगे, वही दवाइयां आपको फायदा देने लगेंगी। उस शक्ति जल का उपयोग करें, चेतना मंत्र का जाप करें, अनित या अन्याय अधर्म के सामने घुटने मत टेके, सामर्थ्यवान बने, चेतनावान बने। माँ की आरती नित्य साधना की पुस्तक मैंने सरलतम क्रम समाज को दिए हैं, जिस समय आप मेरा भी गुणगान कर रहे होते हैं उस समय भी मेरी वह आपकी भावना तरंगे उस परम गुरु के चरणों पर जा रही होती हैं, जिस समय माँ की आप आरती कर रहे होते हैं उस समय भी वह ध्वनि प्रकट सत्ता के चरणों में पहुंचाने का कार्य हो रहा होता है, प्रकट सत्ता कण कण में मौजूद है, उसे पुकारने के लिए कोई भी भाषा हो किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, आपकी भावना से परिपूर्ण हो, चेतना से परिपूर्ण हो, अतः उस दिव्यता की आरती की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे, अतः उच्चारण की ओर बढ़ेंगे। बोले माते की जय। जय गुरुदेव।
श्री शक्ति पुत्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जग जननी जय जय। के अबोध शिशु हैं, हमें वह पात्रता नहीं, हमें वह क्षमता नहीं कि हम और गुरुवर की आरती कर सकें,
निश्चित है माँ की इस महाआरती में हम तेरे को निंदाएं हुई होंगी, हम अज्ञानी हैं, अबोध हैं। हे माँ, हम सभी भक्तों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का वरदान देते हुए क्षमा दान दो माँ, क्षमा दान दो माँ, क्षमा दान। आप